आज हम पाठ शुरू कर रहे हैं, पाठ क्रमांक 6, जिसका नाम है प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण अल्मोड़ा। प्राकृतिक प्रकृति से बना है, कुदरत, जो कुदरत ने, ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने ये बनाई है। और अल्मोड़ा जो है एक पर्यटन स्थल है, पर्यटन जहाँ पर घूमने लायक, जहाँ पर्यटक आते हैं, दूर दूर से जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। विधा ये जो है यात्रा वर्णन है, पाठ इस तरह से है, कवि बताते हैं कि गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो गई। ज़्यादातर जो गर्मी होती है, जो लंबी ज़्यादा दिनों की जो छुट्टियाँ होती है गर्मी के मौसम में होती है, तो गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो गई। मैं बच्चों के साथ एक रात छत पर बैठा था। सारे बच्चे कई बार घूमने जाने के लिए उत्साहित थे। बच्चे तो उत्साहित होते कि छुट्टियां लग गई, कहीं जाना चाहिए, तो वो भी उत्साहित थे। कहने लगे, अप्पी क्यों ना इस बार किसी पहाड़ की यात्रा का प्लान बनाए। वैसे तो कई जगह घूम के आएंगे, तो आज उनकी ख्वाहिश ये थी कि इस छुट्टियों में हम ऐसे स्थान पे जाएंगे जो प्राकृतिक सौंदर्य जहाँ पर मौजूद हो, पहाड़ हो, पेड़ हो, दरिया हो और खूबसूरत इलाका हो। बच्चे तुरंत मानचित्र उठा लाए। यहाँ पर एक शब्द आया है मानचित्र। मानचित्र का अर्थ होता है नक्शा, जिसमें इलाकों को ढूंढा जाता है। और मानचित्र लाने के बाद मनपसंद स्थान की खोज शुरू कर दी। सब देखने लगे कि हमको कहाँ जाना चाहिए, तो इस जो मनपसंद स्थान कौन सा है और हमको कहाँ जाना चाहिए, उसकी खोज शुरू कर दी उन्होंने। चर्चा के बाद उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल जाना तय हुआ। कुमाऊं मंडल अपनी प्राकृतिक सुषमा और सुंदरता के लिए विख्यात है। यहाँ पर शब्द आया विख्यात। विख्यात का अर्थ होता है प्रसिद्ध, यानी मशहूर, बहुत मशहूर है। अब तनिष्क, तेजस, भावेश, श्रुति और मैं, हम सब ने यात्रा की सूची बनाकर पूरी योजना बनाई, सूची लिस्ट बना ली, क्या ले जाना है, कब निकलना है, क्या क्या सामान साथ में रखना है। तो इन्होंने सूची बना ली। जिज्ञासावश तनु ने सवाल किया। यहाँ पर बहुत शब्द आया जिज्ञासा यानी कुछ जानने की कोशिश करना। अगर कुछ पता नहीं, उसे जानना कि ये चीज़ क्या है, जिज्ञासावश। तो तनु ने सवाल किया, अपी कुमाऊं कहाँ है, कुछ बताइए ना। तब मैंने बताया कि कुमाऊं मंडल भारत के उत्तराखंड राज्य के दो प्रमुख मंडलों में से एक है। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ तथा उधम सिंह नगर आते हैं। सांस्कृतिक वैभव और प्राकृतिक सौंदर्य संपदा से संपन्न इस अंचल की एक क्षेत्रीय पहचान है। वो क्या है? यहाँ के आचार विचार, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, धर्म, गीत नृत्य, भाषा बोली, सबका एक विशिष्ट स्थानीय रंग है। यहाँ पर लोक साहित्य की यहाँ समृद्ध वाचिक परंपरा विद्यमान है। कुमाऊं मंडल का अस्तित्व भी वैदिक काल से ही है। तो प्यारे बच्चों, अभी हम यहाँ तक ही पाठ देखते हैं।